हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टेक्नो साइंस। तो आज मैं आपके लिए एक और नया रिव्यू लेके आया हूँ। थोड़ा टाइम लिया मैंने, बहुत दिन हुए वीडियो अपलोड नहीं की थी, वन और टू वीक बिकॉज ऑफ सम रीजंस एंड मोबाइल्स भी इतने लॉन्च नहीं हो रहे थे। बट अब लॉन्च हुए हैं आईक्यू Z3 का आज रिव्यू है, और बाद में पोको M2 प्रो 5G का भी आएगा और रियलमी X7 मैक्स का भी आने वाला है। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। अब चलिए सबसे पहले बात करते हैं आईक्यू Z3 5G के बारे में। ये आईक्यू की तरफ से रिसेंटली लॉन्च 5G मिड रेंज 5G फ़ोन है, जिसके स्पेक्स मुझे पर्सनली बहुत अच्छे लगे। सो एंड विच कम्स विथ सम न्यू थिंग्स ऑल्सो एंड सम ओल्ड थिंग्स ऑल्सो। सो लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। सबसे पहले बात करते हैं डिस्प्ले के बारे में। आपको IPS LCD 120Hz का फुल HD प्लस डिस्प्ले मिलता है, AMOLED नहीं है, विच इज़ ऑल्सो नॉट रिग्रेट बिकॉज गुड फोन एट गुड प्राइस इज ऑलवेज ओके। कुछ तो कमियां होगी ही। HDR10 का सपोर्ट है, 84.5 स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है, 20:9 बॉडी रेशियो है। अगर OS की बात करें तो Android 11 OS है, फन टच OS है वीवो का, मतलब थोड़ा कस्टमाइज है आईक्यू के लिए। एज यू नो आईक्यू इज अ सब ब्रांड ऑफ वीवो, सो थोड़ा फार वीवो का टच में हो गई। चिपसेट की बात करें तो दिस इज द बिग हाईलाइट विच कम्स विथ न्यू चिपसेट। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 768 5G चिपसेट है। आई थिंक इज द फर्स्ट फोन ऑन दैट, डोंट कॉट मी रॉन्ग, बट आई थिंक सो इट इज द फर्स्ट फोन टू हैव दिस चिपसेट। इट इज अ 7nm चिपसेट जो बहुत ही पावर इफिशियंट होगा। इसमें बैटरी जो है वो कम है दी, मैं आगे आपको चल के बताऊंगा। CPU की बात करें तो ऑक्टाकोर प्रोसेसर है और एड्रेनो 620 GPU है। मेमोरी की बात करें तो आपको 4 वेरिएंट्स मिलते हैं मेमोरी के लिए भी और रैम के लिए भी, जैसे कि 6GB रैम, 128GB स्टोरेज, 8GB रैम, 128GB स्टोरेज, 8GB रैम, 256GB स्टोरेज और 12GB रैम, 256GB स्टोरेज। तो आपको बहुत सारे वेरिएंट्स मिलते हैं। आई थिंक इट इज़ रियली गुड। अगर कुछ होंगे बहुत एग्रेसिवली गेमिंग और बहुत दिन तक ईयर्स तक यूज़ करना हो तो 12GB टू 56 हो जा सकते हैं, बट आई पर्सनली थिंक 8GB एंड 128GB इज़ अ रियली गुड कॉम्बिनेशन। एंड UFS 2.1 है, LPDDR4X रैम है। अगर कैमरा की बात करें तो आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है। यस, ट्रिपल है, क्वाड नहीं है, बट लेट्स सी हाउ द ट्रिपल वर्क्स। 64MP वाइड एंगल, 8MP अल्ट्रा वाइड, 2MP मैक्रो। और वीडियो रिकॉर्डिंग की अगर बात करें तो 4K 30-60 FPS है, 1080p 30-60 FPS। अगर सेल्फी कैमरे की बात करें तो 16MP का वाइड एंगल सेल्फी कैमरा है, 1080p 30 FPS तक का वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट है। इसमें जो कैमरा का सेंसर है वो रिसेंटली लॉन्च हुआ था, तो भी सेंसर है सोनी का, मुझे उसका नाम याद नहीं आया। अगर आपको पता तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर लाउड स्पीकर है इसमें, 3.5mm जैक भी है, विच इज़ अ रियली गुड थिंग। वाईफाई 6 है, ब्लूटूथ 5.1 है, GPS अनेबल्ड है, NFC नहीं है, रेडियो भी नहीं है। अगर सेंसर्स की बात करें तो आपको फिंगरप्रिंट सेंसर साइड माउंटेड मिलता है और बाकी सारे सेंसर्स आते हैं, एक्सेलेरोमीटर, जायरो, प्रॉक्सिमिटी कंपास एक्सेट्रा, और फेस अनलॉक भी है। एंड हियर कम्स द बैटरी, जो मुझे पर्सनली बहुत छोटी लगी, जिस 4400mAh नॉन रिमूवेबल बैटरी, बट 7nm इज रियली पावर एफिशियंट। सो वी हैव टू सी एंड फर्स्ट यूज एंड सी हाउ द बैटरी वर्क्स। मैं तो ये फिलहाल के लिए यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास तो डिवाइस है नहीं। अगर आप चाहते हैं मैं आपके लिए ऐसे रिव्यू लेके आऊँ तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि मेरे भी सब्सक्राइबर्स बढ़े और मेरे पास भी रिव्यू यूनिट आए। फास्ट चार्जिंग में कमी नहीं है, 55W का चार्जर है जो आपकी बैटरी बहुत फास्टली चार्ज करेगा, आई थिंक वन आवर से भी कम शायद। कलर्स की बात करें, मोबाइल का कलर एस ब्लैक, साइबर ब्लू और सिल्वर कलर आता है, और इसकी जो प्राइस है वो 19,000 के आगे है। सो आई थिंक इट इज़ अ गुड फोन एट दैट प्राइस रेंज। बट अगर आपको हो गया अभी तो फ़ोन आ रहे हैं 15,000 के नीचे भी, जिनके बहुत अच्छे स्पेक्स भी हैं और 5G फ़ोन भी है, तो जैसे कि रियलमी 8 5G, पोको M2 प्रो 5G जो अभी रिसेंट लॉन्च है, यू आर राइट बट यू आर रॉन्ग बिकॉज इसमें 768G प्रोसेसर आता है, विच इज ऑलमोस्ट फ्लैगशिप कहूँगा मैं, क्योंकि जो 7 सीरीज के प्रोसेसर होते हैं वो सबसे अच्छे होते ही है। अगर 732G होता देन इट्स नेगोशिएबल, बट
765G, 750G एंड दिस कम्स 768G। ये बहुत ही अच्छे फोन्स के प्रोसेसर है। सो प्राइस भी थोड़े अग्रेसिव है। आई थिंक इट इज अग्रेसिव, येस आई थिंक इट इज अग्रेसिव प्राइस, बट देन ऑल्सो 768G इज अ रियली ऑलमोस्ट फ्लैगशिप फोन। सो दिस प्राइस इज अबाउट 19,000 एंड विच आई थिंक दैट इज अ रियली गुड प्राइस फॉर दिस फोन। आईक्यू के फोन से अभी रियली राइज कर रहे हैं। आईक्यू 7 लेजेंड आने के बाद बहुत सारे लोग जिनको गेमिंग करनी है बट बजट इतना नहीं है, तो आईक्यू 7 और आईक्यू 7 लेजेंड उन लोगों के लिए बहुत अच्छे ये हो। और ये आईक्यू Z3 भी एक गेमिंग फोन बन सकता है। अब 3.5mm जैक भी है, वो एयर ट्रिगर्स नहीं है बट दैट्स नेगोशिएबल। और पर बैटरी थोड़ी छोटी है, बट 7nm इज रियली व्हाट वी से एफिशिएंट प्रोसेसर। सो नाउ वेट टू सी। सो दिस वाज फॉर द रिव्यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करना। अंटिल मीट नेक्स्ट टाइम, TS साइनिंग ऑफ। हे वेट, जिन्होंने मेरे पिछले वीडियो को अच्छे कमेंट्स किए हैं उनका नाम मैं इस वीडियो में लूंगा, जिसकी मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया और स्टार्ट किया था। तो इस वीडियो के फीचर्ड कमेंटर्स है अंशिका, भव्य शाह, सुहान करीरा। थैंक यू गाइज, लवली कमेंट्स, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और ऐसे ही मैं आपके लिए अच्छे कंटेंट लाता रहूँगा। थैंक यू, अंटिल यू मीट नेक्स्ट टाइम, TS साइनिंग ऑफ। बाय।